राशन इतना महंगाई देगा तो पेट कैसे भरेगा। गरीब आदमी के तो बिल्कुल दलाई गोट दिया, मट्टी खराब कर रखी है। जितना महंगाई है उतना तो कभी ना महंगाई होत रहा है, आज 10 साल से इतना ना महंगाई हो रहा है जो कुछ सोचना पड़ता है। एक महीने में क्यों हो जाए 5 किलो में? करीब चावल फाकेंगे नहीं ना, करीब गेहूँ तो नहीं फाकेंगे ना, सब कुछ तो ये हो रहा महंगाई। कुछ नहीं करे हमारे लिए, कुछ नहीं कर रहा क्या, अपने लिए करते हैं, अपने कोठी गाड़ते हैं, शीशे लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, लागते हैं कितने नहीं आंदा मोदी फ्री दे रहा, कुछ नहीं दे रहा मालिक। बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना, जब से बीजेपी आया है सरकार जब से ही बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। बन रही है तब जो उनका खा रहा है वो लोग बना रहे हैं, जब से बैठा तब से बहुत महंगाई हो गया। दिल्ली में राकेश के राज में भूखे और मर रहे हैं। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। जिस तरीके से यहां पे इनका महिलाओं का प्रदर्शन चल रहा है, भारी तादाद में महिला आई हुई हैं यहां पे, आप देख ही सकते हैं कि जो महिला आई हुई हैं बीजेपी के खिलाफ इनका प्रदर्शन चल रहा है कि, और कह रही हैं जो मोदी सरकार है मोदी को महंगाई मैन बता रही हैं, और साथ ही साथ कह रही हैं कि महंगाई की मार से जो महिला परेशान है उसको लेके यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, महिलाएं एकत्रित हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं लगातार। तो इधर ही हम कुछ महिला से बातचीत करते हैं। क्यों आई हैं यहाँ पे आप? दुखी हो रहे थे, राशन पानी खत्म हो गए थे। किससे दुखी हैं? सब क्या है, सिलेंडर नहीं है, ईंधन नहीं मिलता है, महंगा कर दिया सिलेंडर, 900 रुपये का कर दिया, पहला 1200 का था। तो अब कम तो कर दिया है ना? हाँ, अब 900 कर दिया, पहले 1200 था। हाँ, तो 900 सही नहीं है? 900 सही है, गरीब के नाका तो कोई नहीं, ठाठा के नाका तो सही है, गरीब तो न्यू जाना है 400-500 का हो जाए। राशन नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, पर वो तो कह रहे हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, वो भी नहीं मिलता, नहीं मिलता राशन भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता, गुट्ठा नहीं आता, बूढ़ी लुगैया का नहीं आते गुट्ठे, हाँ। गुट्ठे नहीं आते, फिर नहीं कुछ नहीं मिलता, नहीं बाजरे के दाने क्या का, उन लुखियों क्या खावा, लस्सी ना दूध ना मूत ना, कह रहे हैं चावल दे रहे हैं, गेहूँ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, 1 किलो चीनी दिया कर रहे हैं, और 1-5 किलो गेहूँ दे रहे हैं, क्यों 5 किलो में 1 महीने में, 1 महीने में क्यों हो जाए 5 किलो में बतेरा? नहीं डैडी, अरे से डैडी करन के रह रहे है बुढ़े लोग, और बच्चा न पाले कि हम खवा के बता किराया पर। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? सोनीपत। सोनीपत से आए हैं यहाँ पे? हाँ, दुखी उत्ते आए हम, हमारा कुछ रहा बिठाओ, हाँ तनख्वाह बताओ, हमारी पेंशन बताओ। तेरे पर की मेरी पोती हो रही BA MA करे फिरन लाग रही, उन कितने से पुआ दो और नौकरी मिला, वो भी कुछ करके खा लेंगे छोड़ गाना। तो नौकरी भी तो दी है उन्होंने, कह तो रहे हैं कर दई है, कुछ भी कोनी घर बैठी, दोनों घर और नहीं पुगती, प्राइवेट में फीस भी नहीं पुगती बालक की। अरे वो तो कह रहे हैं कि हमने मंदिर बनवा दिया है, अब सारा पैसा तो उसमें लग गया, आप ही लोगों के लिए तो बनाया है राम मंदिर, अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं। कुछ नहीं करे हमारे लिए, कुछ नहीं कर रहा क्या, अपने लिए करते हैं, अपने कोठी गाड़ते हैं, शीशे लगवाते हैं, पत्थर लगवाते हैं, अपने अपने लिए है। सबसे बड़ी जाति है गरीब, गरीबों को लेके चलते हैं साथ में, महिलाओं को लेके चलते हैं साथ में। को ना सौकार नहीं, कार्ड भी कट गए, कार्ड भी कट गए, राशन कार्ड कट गया हमारा, कट दिया। अरे मुफ्त इलाज दे रहे हैं, कह रहे हैं मुफ्त इलाज कराइए आयुष्मान योजना से, कुछ नहीं मिलता हमने, हम तो कभी भूखे मरते, बालक भी भूखे मरते, छोड़ गुदड़े भी नहीं है, और डडाए मरते डडाए मर रहे हैं। और तो परिवार में कितने सदस्य हैं आप लोग? मेरा अच्छा है, सात हैं, ये भी तो देख ले के करान, सारे घर बैठे, सारे घर में बैठे हैं। और तो कोई कोई काम नहीं करता है, कोई कुछ भी कोई नहीं करता, जावा की थे छोरी भी करके घर बैठ गई, छोरा ओ बर्मी करके ले वो भी घर बैठ गया, कर के नौकरी नहीं है किसी के पास ना, कोई से के नहीं। देखा उन्होंने किस तरीके से जो मोदी सरकार है उन्होंने हालत जो महिलाओं की और गरीबों की कर रखी है। यहाँ पे फिर से एक महिला हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से क्या कहेंगी?
नो बता, मैं अकेली हूँ, मेरा आदमी भी नहीं है, और मेरा है ना कितना 5 किलो अनाज आ जाता था, मेरा 10 दिन का दली कड़े था, मेरा वो भी कार्ड काट दिया है, क्यों काटा उन्हें, बोला है ना यादा बहुत धनवाड़ी है, जिसके खाते में बोला 5 लाख रुपये है, अरे 5 लाख रुपये तू गिरवा, मैंने जरूरत तो कोई ना किसी चीज की है। वो तो कह रहे हम महिलाओं को राशन दे रहे हैं, 500 रुपए आते हैं बैंक में, अरे जूते लागते है कि ते नहीं आंदा साल मेरा बैंक देखे कतिया तो कॉपी मंगा हुई बे। तो अगर आपके आदमी नहीं है तो क्या करती हैं फिर आप? मैं ये सारी रैली में आ गई, इन्हें रोटी खुवा दी, सुन गई कि ते जाकर मंदिर में फूल बेचे ही, ये करती हूँ मैं, बोलो ये मंदिर में फूल बेचती हूँ मैं, अब टाइम जाती हूँ, कदे 200 बन जाए कदे 300 बन जाए बेटी, मैं फिर आ जा, शुगर की इतनी बीमारी, मेरा शुगर की बीमारी है बहुत ज़्यादा। अरे तो मुफ्त इलाज कराइए ना, दे तो रहे हैं आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज हो रहा है। अरे भाई वो तो उन्हें लौटेंगे जब हो रहा है, खाट पर लौटेंगे ना जाकर जब कहा है, ये नहीं है बेटे, अब भाई वो मोदी फ्री दे रहा, कुछ नहीं दे रहा मालिक है, सौगत का प्लाट उसका वो बना दो, क्या बड़ा हरे मेरा ना, क्या फैमिली और के मैं बनवाऊ है, हमने 80,000 रुपये लगेंगे कितने बनवाऊँ, 13 बार कितने दूँ तो बेटी तो। आपकी पेंशन नहीं आती है क्या? बुढ़ा प्यारी आती है। आती है पेंशन? आती है। कितनी देते हैं? 2700। 2700 महीने के देते हैं, चल जाता है उसमें काम कि नहीं चल पाता? ना बेटे मेरे नहीं चलता, मेरे तो वो डॉक्टर की उधारी है। हाँ। डॉक्टर की उधारी है, बहुत ज़्यादा बीपी आई, शुगर है, डेंगू होया था, खून की कमी, खून चढ़ता मेरे, अरे क्या करा बेटी। परिवार में कितने सदस्य हैं, बच्चे वगैरह? बच्चा 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 सब छोड़ के भाग गई, बच्चे वगैरह सब छोड़ के भाग गए, मैं अकेली रहती हूँ, और 2700 में काम नहीं चल पाता है, अकेली रहती हैं फिर आप? अकेली रहती हूँ, भैया दूध ले आऊं कहना चाहता बेटे बता। 10 साल से मोदी सरकार है, आप उनको वोट क्यों देते हैं फिर, जब वो काम ही नहीं कर रही है, महंगाई बढ़ा रखी है, गरीबों की नहीं सुन रही है? आज तक मैंने मोदी सरकार का वोट नहीं दिया, हम दिया करा कांग्रेस की, गरीब भी कांग्रेस है, अभी कांग्रेस को वोट दे रही है हमेशा हमेशा। देखा आप लोगों ने किस तरीके की जो हालत कर रखी है गरीबों की, इनके आदमी नहीं है, बच्चे भी छोड़ के जा चुके हैं, उसके बाद भी कैसे घर चला रही है, 2700 रुपये प्रति महीना मिल रहा है, उसके बाद भी कैसे घर चलेगा अब, किस तरीके से जो महंगाई बढ़ा रखी है, सिलेंडर 1200 से 900 कर दिया है, लेकिन फिर भी महंगाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, जो पेंशन लाई है मोदी सरकार इनके लिए, वो पेंशन में जो पैसा दे रही है वो बहुत कम है। करे काम धंधा है ही नहीं है, आदमी खत्म हो गया, 1 साल हो गया, 2 बच्चे झाड़ू पोछा करके खाना खाते हैं, किराए भाड़ा में रहते हैं, 1 लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, आदमी खत्म हुआ 1 साल हो गया, काम मिलता नहीं ढंग से। पर वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लग नहीं रहा है कहाँ कुछ कर रहे, वही दूसरे घर में झाड़ू पोछा करते हैं, अब देखो आज वक्त में नहीं पहुँचेंगे वो 10 सुनाएंगे मैडम लोग, यही करके खा रहे हैं हम। तो आप यहाँ पे आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं मोदी के खिलाफ, तो क्या लग रहा है इससे कुछ होगा आगे, इतनी सारी तादाद में महिला आई हुई हैं? पता नहीं मैडम, मेरे को तो कोई विश्वास नहीं होता है कुछ, हम तो जो मिलता है वही खा लेते हैं, जो मिलता है काम कर लेते हैं, आज एक कोई मिलेगा कुछ मिलेगा बोल के आए हम। आपके 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, पढ़ते हैं? एक तो ये लड़की है मेरी, वो 15 साल में लगी है, लड़का मेरा 16 साल का है, पढ़ते हैं दोनों बच्चे, दोनों पढ़ते हैं, मतलब आगे जाके सोचा है कि अगर ये नौकरी करेंगे तो इन्हीं के सहारे घर चलेगा? सोचा है मैंने कि मेरे बच्चे पढ़ के कुछ हो जाए, ये सोचा है। क्या कहेंगी मैम, भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है क्या? नहीं, इतना महंगाई है हर चीज, बच्चे हमारे छोटे काम नहीं, आदमी का इतना काम नहीं, महंगाई इतना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है घर चलाना, ये किराए पे मकान रह रहे हैं। तमाम महिलाएं हाथ में पोस्टर लेके खड़ी हैं मोदी जी का और कह रही हैं महंगाई मैन, आपने महंगाई मैन ही नाम रख दिया है क्या उनका? हाँ, जब से बीजेपी आया है सरकार, जब से ही बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, सब कोई काम नहीं,
मतलब बीजेपी सरकार नहीं पसंद है आपको? नहीं नहीं, हम 10 साल से वो सत्ता चला रही है, आप ही लोग वोट दे के उनको जिता रहे हैं बार बार। कोई ना, हमने जिता ही नहीं रहे हैं उसे तो, हमने जिताया ही नहीं, कभी दिया ही नहीं उन्हें वोट। हर जगह उनकी सरकार कैसे बन रही है? बन रही है तब जो उनका खा रहा है वो लोग बना रहे हैं, हम लोग तो नहीं कुछ कर रहे, हम लोग तो महंगाई अपना मेहनत कर रहे बस, और क्या। उनको कह रही है वो फ्री में राशन देती है 5 किलो, आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज कराएगी, आरक्षण दे दिया है महिलाओं, राशन फ्री दे रहे हैं, पर और सब सामान कहाँ से आएगा? सिर्फ दाल चावल और गेहूं खाएंगे क्या बताओ? और भी तो सब सस्ता होना चाहिए ना, वो तो महंगाई है, तेल देखो कितना है, चीनी है, सब कुछ महंगा। चीनी भी तो फ्री का थोड़ी ना मिल रहा है, चीनी भी पैसे की आ रहा है, सब कुछ है। करीब चावल फाकेंगे नहीं ना, करीब गेहूं तो नहीं फाकेंगे ना, सब कुछ तो ये हो रहा है महंगाई। अब सिलेंडर तो 900 रुपए कर दिया है, 900 तो सस्ता होना चाहिए ना, पास में है नहीं तो कहाँ से हम 900 1000 दें बताओ। यहाँ पे मोदी सरकार ने एक चलाया था जब प्याज महंगी थी तो वो प्याज सस्ती दे रहे थे, अभी भी सब कुछ महंगाई हो रहा, कभी हो रहा कभी खूब आदम आसमान। महंगाई में मोदी की क्या गलती, वो तो किसानों के ऊपर होता है ना सर। नहीं, जब मोदी सरकार तो सब तरफ है ना उसका राज, ये थोड़ी ना कि एक जगह है। बंद कर रखे राशन कार्ड, बंद कर रखे जो मेन चीज है वो बंद कर रखे, उसे क्यों नहीं खोल रहे? उसे तो खोल लो, गरीब आदमी के तो बिल्कुल दलाई घोट दिया, सही बात में मट्टी खराब कर रखी है। इन्हें राशन नहीं लेती है क्या? है? राशन नहीं लेती है फ्री? कहाँ से, हम नहीं लेते राशन, राशन तो लेने जाइए ना, फ्री दे तो रहे हैं 5 किलो। अरे हमारे पास वही नहीं, काट पाट कुछ भी नहीं है तो कल लेंगे कहाँ से बताओ, कहाँ से लेंगे? राशन कार्ड ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहाँ से लेंगे? दिल्ली में रह के इसके राज में भूखे और मर रहे हैं। देखा आपने किस तरीके से यहाँ पे जो है महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ, और कह रही हैं कि महंगाई ने मार दिया है महिलाओं को, क्योंकि घर ये चलाती है तो इन्हें पता है सिलेंडर कितना महंगा आता है, सब्जियाँ कितनी महंगी आती हैं, तेल कितना महंगा आता है। यहीं पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पे, मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, जारी है इनका प्रदर्शन। अल्लाह तो पर्वे करेगा, जितना महंगाई है उतना तो कभी ना महंगाई होत रहा है, आई 10 साल से इतना ना महंगाई हो रहा है जब कुछ सोचना पड़ता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इतनी महंगाई नहीं थी? नहीं नहीं, इस जब से बैठा तब से बहुत महंगाई हो गया, बहुत महंगाई हो गया, सोचना पड़ता है। जितना सिलेंडर महंगा, चावल महंगा, आटा महंगा, 330 रुपया के 10 किलो आटा मिलता है। उन्होंने देश को विश्व गुरु बनाने में, राम मंदिर बनाने में पैसा लगा दिया, तो थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी ना। ओहो, तब आसन इतना महंगाई देगा तब पेट कैसे भरेगा? देखा आप लोगों ने किस तरीके से जो ये महिलाएं कह रही है कि महंगाई ने इनको मार दिया है, तब यहाँ पे आके इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है भाजपा सरकार के खिलाफ। आपकी इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।